नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बदलाव का दौर शुरू हो गया। देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस के 15 आईपीएस अफसरों के तबादले की एक सूची जारी की गई। इस लिस्ट में एडीजी से लेकर एसपी रैंक के 15 आईपीएस अफसर शामिल थे, जिनको नई पोस्टिंग दी गई। एडीजी रैंक के एक अकेले अधिकारी थे के सत्यनारायण, उनको एडीजी सीबीसीआईडी बनाया गया। सत्यनारायण वैसे भी पहले से सीबीसीआईडी में तैनात थे, लेकिन वो एडीजी बनने के बाद अब आधिकारिक तौर पर एडीजी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं। इसके बाद जिन आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया, उसमें 3 जिलों के कप्तान भी शामिल थे, जिसमें अम्बेडकर नगर, हाथरस के पुलिस कप्तान और महाराजगंज के कप्तान। बात अगर अम्बेडकर नगर की करें तो अम्बेडकर नगर में एक घटना हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करोगे तो अगले चौराहे पर पुलिस यमराज बनकर इंतजार करेगी, यानी यमराज इंतजार कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री का ये बयान उस वक्त का है जब अम्बेडकर नगर में स्कूल जा रही एक छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले शोधों की वजह से उस छात्रा की जान चली गई। उस समय के अम्बेडकर नगर के कप्तान रहे अजीत कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया है, या उनकी कहा जाए कि उनको हटा दिया गया है। वो एसपी साइबर क्राइम बनाए गए। अंबेडकर नगर के नए जिला कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ को बनाया गया है, वो महाराजगंज के अभी तक एसपी थे। इसके साथ ही हाथरस में जो पीपीएस से आईपीएस बने थे देवेश कुमार पांडे, उनको हटा दिया गया है, वो पीएससी भेज दिए गए और निपुण अग्रवाल को हाथरस का नया कप्तान बनाया गया। सोमेंद्र मीना जो आगरा कमिश्नरेट में तैनात थे, वो महाराजगंज के कप्तान बनाए गए। इसके अलावा एक और नाम जो बेहद चर्चा में है, वो है डॉक्टर विपिन मिश्रा का। विपिन मिश्रा स्टेट कैडर से आईपीएस बनने वाले अफसर रहे, वो लंबे समय तक एसपी हरदोई रहे। अपनी ईमानदार और कड़क छवि के चलते विपिन मिश्रा उत्तर प्रदेश के काबिल और चुनिंदा अफसरों में थे, जो अफसरों और नेताओं के लिए भी पसंद रहे। लेकिन विपिन मिश्रा को अभी तबादला कर दिया गया। विपिन मिश्रा बांदा रेंज में डीआईजी थे, उनका तबादला पीएससी वाराणसी में कर दिया गया और उनकी जगह पर काजा चित्रकूट धाम में अजय कुमार सिंह जो डीआईजी पीएससी वाराणसी थे, उनको बांदा रेंज का नया डीआईजी बनाया गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ये लिस्ट अभी 15 आईपीएस अफसरों की है, एक शुरुआत है। कुछ और आईपीएस अफसरों के तबादले होना बाकी है। इन आईपीएस अफसरों में पुलिस कमिश्नर भी होंगे, एडीजी जोन भी होंगे और वो अफसर भी होंगे जो 3 साल से एक ही पद पर तैनात है। तो आप समझ लीजिए कि तबादलों का दौर शुरू हुआ है और हर लिस्ट में नए नाम चौंकाने वाली पोस्टिंग आपको मिलती रहेगी। यूपी तक में दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।